रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम लिटिल थिंग्स इंग्लिश पोएम की कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं और आज हम उसमें डायग्राफ करेंगे। तो व्हाट इज डायग्राफ? अ डायग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ टू सक्सेसिव लेटर्स हुज फोनेटिक वैल्यू इज अ सिंगल साउंड। दो लफ्ज मिलके एक साउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल्स जो है, आज हम पी एच फोन और द टी एच दो आवाजें करती है, दिस और थिंक। तो प्यारे बच्चों, अपनी तब्दील सोच करोगे तो आप अपनी दुनिया को तब्दील कर लोगे। आपने मुकाबला करना है मनफी सोच का, पुराना सोच पुरानी नतीजा। तो अपने आप को, अपने अंदर की आवाज को सुने। ये आपकी सोचें आपको अमीर या गरीब या कामयाब या नाकाम, खुश या उदास, जाज्बे नजर या बदहियत बनाती हैं, ताकतवर या कमजोर। अंडरस्टैंड योर वर्थ, अपनी काबिलियत को पहचाने, अपनी जिंदगी की कदर करें, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करें। वो शख्स हलाक हुआ जिसका आज गुज़श्ता दिन से बेहतर नहीं है, ये हदीस है। रोज अपने आप को बेहतर से, कल से अपना अगला दिन बेहतर गुजारने की अपने अंदर तड़प पैदा करें। आई चूज अ पर्पसफुल लाइफ, मेरा इंतखाब बामकसद जिंदगी, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं। What you can do, आप क्या कर सकते हैं बामकसद जिंदगी बनाने के लिए? अपने रब को पहचाने। तर्जमे के साथ कुरान भी पढ़ना चले, आपको पता चले मैं और आप कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा रब कौन है। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, आपकी सुन्नत पे अमल करें। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो आज हम डायग्राफ करते हैं टी एच वर्ड्स। आप देखें टी एच वर्ड्स द और थ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इन अल्फाज को देखें, फिर मेरे साथ बोलें और फिर इनको लिखकर पक्का करें। तो ये थ्री थ्री जो है थ की साउंड से शुरू होता है, टी एच थ। फिर है थॉन, कांटा जिसको कहते हैं, ये भी थ की साउंड से शुरू होता है। फिर आप देखें कि पाथ, पाथ में ये एंड में आता है। और ए सीधा रास्ता दुनिया में एक ही है, वो है सच का रास्ता, हमेशा सच बोलो। फिर है बात, नहाना, बात लेना, इसमें भी थ आता है। फिर है मौत, जो ये पतंगा होता है इसको कहते हैं मौत, तो इसमें भी थे आता है। फिर है टीथ, टीथ दांत को कहते हैं टीथ, और इसमें है थंब, अंगूठा, थंब। आप देखेंगे थंब में अंगूठा एक छिगना सा होता है, लेकिन उंगलियां इसके बगैर बेकार हैं। क्लॉथ, इसमें भी थ आता है, क्लॉथ। फिर हमारा है माउथ, एक माउथ में एक जुबान होती है जिसको 32 दांत जो हैं वो जिसकी हिफाजत करते हैं। फिर है मैथ, मैथ हम हिसाब करते हैं। तो ये अल्फाज हैं टी थ्री थम पाथ थिम, और ये हैं पी एच वर्ड्स, फोटो, फोन, गोफर, ज़ाइलोफोन, अल्फाबेट, स्फीयर, एलिफेंट और डॉल्फिन। आप देखें कि पी एच जो है वो फ एफ की साउंड निकालते हैं, जैसे फैन है। राइट द मिसिंग डायग्राफ, अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें आपने मिसिंग डायग्राफ लिखना है। माई फ्रेंड कॉल मी ऑन द फोन टूडे, तो ओ एनी ऑन के से पहले आप पी एच लगाएंगे तो ये बन जाएगा फोन, शाबाश। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई डैश ही वॉन्ट्स मी टू विजिट हिम अगेन, उसने क्या किया, आई थिंक, मैंने सोचा कि वो चाहता है मैं उसे दोबारा उसके पास जाऊँ। आई थिंक ही वॉन्ट्स मी टू विजिट हिम अगेन। नेक्स्ट है ही टुक सम फोटोज ऑफ मी लास्ट मंथ, हम कैमरा से क्या लेते हैं, फोटोज लेते हैं, और उसने पिछले महीने मेरी कुछ फोटोज ली। ही टुक सम फोटोज ऑफ मी लास्ट मंथ। फिर उसके बाद है आप देखें कि इसमें दे दाल के लफ्जों में इस्तेमाल हुआ है। दे शो मी प्लेइंग इन द सॉकर ग्राउंड, उन्होंने मुझे दिखाया कि गेम कैसे खेलते हैं। इट वॉज माई सेकेंड विजिट देयर, देयर का में भी टी एच जो है देयर दाल की आवाज जो है वो निकाल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई होप आई कैन गोवा थर्ड टाइम,
कि मैं तीसरी दफा भी वहां जा सकता हूं थर्ड तो इसमें भी TH डायग्राफ आएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।